शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 3 दैट इज डेटा हैंडलिंग में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? रीड द बार ग्राफ व्हिच शोस द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। एक बुक स्टोर है, उस पे कुछ बुक्स सोल्ड की गई है ड्यूरिंग 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। 5 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है कि 5 लगातार साल में बुक्स सोल्ड की गई है। हर एक साल का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, कितने साल इतनी बुक सोल्ड हुई है, इतने साल इतने बुक सोल्ड हुई है, ऐसे डेटा यहाँ पे गिवन है। कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का मतलब होता है लगातार। जैसे यहाँ देखिए 1989 के बाद 1990 आता है, फिर 1991, 1992, 1993, ये लगातार 5 साल का यहाँ पे डेटा गिवन है कि कौन से ईयर में कितनी बुक सोल्ड हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम बार ग्राफ को समझ लेते हैं। बार ग्राफ दो एक्सिस से मिलके बना होता है, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे ईयर्स शो हुआ है, ये जो 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स है तो वही ईयर्स यहाँ पे शो हुआ है। 5 ईयर्स था ना, तो 1989। अब ये यहाँ पे लिखा हो या यहाँ पे लिखा हो, बात सेम है। यहाँ पे भी आप लिख सकते थे 1989, 1990, ऐसे यहाँ पे भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे गिवन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कौन कौन से ईयर्स हैं? 1989, 1990, 1991, 1992 एंड 1993। और देखिए इस ईयर में कितनी बुक सोल्ड हुई है उसका डेटा वाई एक्सिस पर गिवन है। एक्स एक्सिस ईयर को शो कर रहा है और वाई एक्सिस में कितनी बुक सोल्ड हुई है, नंबर ऑफ बुक्स, कितनी बुक सोल्ड हुई है उसका डेटा गिवन है। देखिए जैसे 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई है, तो यहाँ पे आपकी बुक में जो बना होगा वहां पे आप ऐसे स्केल रख के एक लाइन ऐसे डॉटेड ऐसे लगा देना, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे वाई एक्सिस पे कितनी वैल्यू हो सकती है। तो देखिए ये 100 स्केल देखिए इसका, पहले एक यूनिट बराबर इसका स्केल है 1 unit = 100 books, यही है। ये जो एक यूनिट है वो 100 book को शो कर रहा है। देखिए एक यूनिट 100 book, फिर से एक यूनिट 100 book, एक यूनिट 100 100, ऐसे ऐसे करके 6 unit में 600 books है। अब यहाँ देखिए अगर मैं 0 से 100 के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये 50 होगा, 50 होगा कि नहीं होगा? मैं यहाँ 50 लिख भी सकती हूँ, आप भी लिख सकते हो। उसी तरीके से 100 और 200 के बीच में अगर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूं तो ये कितने का होगा? 150 का होगा, ठीक। फिर 200 और 300 के सेंटर में अगर एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये 250 का होगा, 250। देन 300 और 400 के बीच में लाइन ड्रॉ करूं तो ये होगा कितना? 350। देन उसके बाद 400 और 500 के बीच में अगर सेंटर में लाइन ड्रॉ करूं तो ये होगा 450 और यहाँ पे होगा 550। यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये देखिए जो डेटा गिवन है ये 1989 में, जब आप इसको स्केल से यहाँ पे ज्वाइन करेंगे वाई एक्सिस पे तो ये यहां कहीं आ रहा है, 150 और 200 के बीच में कहीं आ रहा है। देखिए अब आपने जब इसका आधा किया तो ये 50-50 में डिवाइड हुआ। जैसे यहां देखिए 0 से 50, अगर मैं इसको भी हाफ कर दूं, इसको भी अगर मैं हाफ कर दूं तो क्या ये 25 होगा? होगा ना। फिर इसको हाफ करूंगी तो ये भी यहाँ पे कितना आएगा, 50 और 100 के बीच में क्या आता है? 75। तो ये 75 होगा। अगर मैं 100 और 150 के सेंटर में एक लाइन खींचू तो वो कितने का होगा? ये होगा 125 का होगा। उसी तरीके से 150 और 200 के बीच में जो लाइन है उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू इनका हाफ होगी। जैसे 150 और 200 के बीच में कौन सा नंबर आता है, जस्ट बीच में, तो आता है कितना? 175, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 175। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो इसकी वैल्यू क्या है, 175। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 1990 ईयर में इसकी वैल्यू कितनी है, ये देखिए 450 और 500 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी 475। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्वेश्चन का आंसर देने में आसानी हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 475, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है।
1991 को जब आप ऐसे स्केल से यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो वो एग्जैक्ट 300 पे आया है। किस पे? एग्जैक्ट 300 पे। आप लोग ड्रॉ कर लेना, मेरा तो 300 पे आया है ड्रॉ करने पे, क्योंकि मेरे पास कोई स्केल नहीं है, मैंने ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया तो मेरा 300 पे आ रहा है। अब 1992 पे ये देखिए 200 और 250 के बीच में ये लाइन आ रही है, तो कितना होगा ये 225। 200 और 250 के बीच का नंबर क्या होता है? 225। तो यहाँ लिखे 225। एंड देन 1993 में देखिए इसकी लाइन डायरेक्ट 600 पे आ रही है, मींस यहाँ पे कितना होगा 600। अब देखिए क्या मतलब है इसका, इसका ये मतलब है कि ईयर 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई है? 175 बुक सोल्ड हुई है। ईयर 1990 में कितनी बुक सोल्ड हुई है? तो 475 बुक सोल्ड हुई है। ईयर 1991 में कितनी बुक सोल्ड हुई है? तो 300 बुक सोल्ड हुई है। 1992 में कितनी बुक सोल्ड हुई है? तो 225 बुक सोल्ड हुई है। 1993 में कितनी बुक सोल्ड हुई है? तो 600 बुक्स सोल्ड हुई है। अब चलिए जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर देते हैं। फर्स्ट इज अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992। बोल रहा है कि ईयर 1989 में और 1990 में और 1992 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई है। तो चलिए पहले का आंसर देते हैं यहाँ पे। 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई है जल्दी से बताइए? 175 बुक्स। सेकेंड, 1990 में कितनी बुक सोल्ड हुई है? तो 475 बुक्स। थर्ड, 1992 में कितनी बुक सोल्ड हुई है? तो लिखिए यहाँ पे 225 बुक्स। पहले का आंसर कंप्लीट हुआ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें 475 बुक्स सोल्ड हुई हैं, और ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें अबाउट 225 बुक्स सोल्ड हुई हैं? तो आपको दो क्वेश्चन का आंसर देना है यहाँ पे। पहला कि कौन सा ईयर है जिसमें 475 बुक्स सोल्ड हुई हैं, और कौन सा ईयर है जिसमें 225 बुक्स सोल्ड हुई हैं? तो चलिए सेकंड का आंसर देते हैं। ये फर्स्ट का था, ये फर्स्ट में ही तीन क्वेश्चन पूछा था तो मैंने यहाँ पे तीनों के आंसर दे दिए। अब सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या है? 475 बुक्स है। 475 बुक्स किस ईयर में सोल्ड हुई है जल्दी से बताइए? 475 बुक्स किस ईयर में सोल्ड हुई है? तो 1990 में। और उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि 225 बुक्स किस ईयर में सोल्ड हुई है? 225 बुक्स यहाँ पे 1992 ईयर में, 1992 ईयर में सोल्ड हुई है। सेकंड का भी आंसर हो गया। थर्ड इज इन विच ईयर वेयर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। ऐसे कौन से ईयर्स हैं इन विच ईयर्स वेयर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। ऐसे कौन से ईयर हैं जिसमें 250 बुक्स से कम बुक्स सोल्ड की गई हैं? फ्यूअर, फ्यूअर का मतलब कम। तो देखते हैं 250 का, 250 से कम कहाँ, कौन कौन से ईयर में हुआ है। तो ये देखिए 175 बुक्स, ये 250 से कम है, और ये 225 भी 250 से कम है। तो कौन कौन सा ईयर है ऐसा? 1989 और 1992 में। तो थर्ड का आंसर क्या होगा? 1989 एंड 1992 में 250 बुक्स से कम बुक्स सोल्ड हुई हैं, और बाकी सारे में ज्यादा है। देखिए 475 250 से ज्यादा है, 300 भी 250 ज्यादा है, 600 भी 250 ज्यादा है, 300 भी 250 ज्यादा है ना। खाली इन दोनों में ऐसा है कि 250 बुक्स से कम बुक्स सोल्ड हुई हैं। तो कौन कौन से ईयर में? ईयर 1989 एंड ईयर 1992 में। ओके, यही आपका आंसर है। अब फोर्थ है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ डू यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989 में जितनी बुक सोल्ड हुई है, कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो? कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू एस्टिमेट, कि आप इसको कैसे एस्टिमेट करोगे
कि द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989, ठीक है। 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई ये आप लोग को पता है, 175 बुक सोल्ड हुई है। ये आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। फोर्थ इज, कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप लिखेंगे यहाँ पे वन यूनिट इज इक्वल्स टू 100 बुक्स, है ना। यहाँ पे जो वन यूनिट शो कर रहा है वो 100 बुक को शो कर रहा है, तो टू यूनिट कितने को शो करेगा, टू यूनिट इज इक्वल्स टू 200 बुक्स को शो करेगा, है ना। और यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है कितने यूनिट पे आ रही है ये बताइए, ये आ रही है आपका ये वन यूनिट, ये वन यूनिट यहां तक, उसके बाद हाफ एंड थ्री फोर्थ यहां तक, है ना, थ्री फोर्थ यहां से यहां तक ये थ्री फोर्थ पार्ट हुआ, ये तो वन कंप्लीट हो गया, वन कंप्लीट पार्ट एंड फिर थ्री फोर्थ पार्ट मींस 1 + 3/4 पार्ट, कितना 1 + 3/4। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड कर लीजिए इसको, तो इसका एलसीएम आएगा 4, या फिर आप इसको 4 अगर बनाना चाहे, दोनों का डिनोमिनेटर अगर 4 बनाना चाहे तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4/4 + 3/4, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया 4 और ऊपर का ऐड हो जाएगा 4 × 3 = 7 मीन्स यहां से यहां तक जो है वो है कितना 7/4 पार्ट, ठीक है, 7/4 यूनिट कह सकते हो। तो यहां पे आप लिखो 7/4, ये किसके बराबर हुआ, ये 1 + 3/4 के बराबर है, इज इक्वल्स टू 7/4 यूनिट। ये किसको शो करेगा, देखिए 1 यूनिट में 100 बुक, तो 7/4 यूनिट में कितना बुक, तो 7/4 × 100। 4 से सिंप्लीफाई करिए, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, कैरी आया 2 बन गया 20, तो 4 × 5 = 20, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 × 5 = 35, कैरी आया 3 × 7 = 14, 15 × 16 = 17, तो क्या आ गया 175 बुक्स। तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आया, ये देखिए 175 बुक्स आ रहा है ना, तो ऐसे ही आया हमारा 175 बुक्स। देखिए वन यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 100 बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टू यूनिट कितने को करेगा, जाहिर सी बात है 200 यूनिट को करेगा, बट हमें निकालना यहां तक का है, हमें पूरा टू यूनिट नहीं जाना है। हम देखिए एक यूनिट गए, एक यूनिट के बाद फिर ये जो एक यूनिट था इसका 4 पार्ट कर दिया, कितना पार्ट, 4, देखिए 1, 2, 3, 4 4 पार्ट किया, तो हम लोग 3/4 पार्ट पे हैं, यहां से यहां तक कितना पार्ट हुआ, 3/4 पार्ट, तो 1 + 3/4 इसको ऐड किया तो आया 7/4 यूनिट। 7/4 यूनिट में कितना होगा, जब वन यूनिट में 100 बुक, तो 7/4 यूनिट में इतना बुक, 7/4 × 100, तो आंसर कितना आ जाएगा, 175 बुक्स, यही आपका आंसर है। होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।